guys, please subscribe to Fame Talks and click the bell icon to get new video updates. Thank you. शादी ब्याह या किसी समारोह में खुशियों की अनुभूति तो तभी होती है जब बैंड बाजों की सुरमई धुन गूंजे और उस पर थिरकने का भरपूर मौका मिले। मगर कोरोना संक्रमण काल के चलते इन सुरमई धुनों की गूंज तो थमी ही है, साथ ही खुशियों को कई गुना बना देने वाले बैंड बाजे वालों की जिंदगी ही उदासी से भर गई है। समाज में एक बड़ा वर्ग बैंड बजाने के कारोबार से जुड़ा है। आज मेरे यार की शादी है, बहारो फूल बरसाओ, ये सारे गाने हमें सुनने को आजकल नहीं मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सुन तो रहे हैं टीवी में रेडियो में, बट ये सारे गाने हमें सुनने में बैंड बाजों के साथ अच्छा लगता था, जो अब बंद हो चुका है। जो अब लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में, इनफैक्ट अभी हम इंडिया की बात करते हैं, भारत में ही सारी चीज़ें बंद है। शादियाँ हो रही हैं, बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये जो पूरा बैंड बाजे का जो धंधा है वो पूरा मंदा हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है राजा भाई, चलिए जानते हैं क्या कुछ बीत रहा है इस लॉकडाउन में, तो कैसा चल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। आपको भी लग रहा होगा कि कपड़े दुकान भी अब कुछ दिन पहले से खुलने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो हम लोगों का लगन था वो तो 100% ख़त्म हो चुका है। आज तारीख है 21 जून, तो ये जून का महीना लास्ट सीजन समझ लीजिए कि 4 दिन का और बचा हुआ है, 27-28 तारीख तक ये लगन बचा हुआ है। जबकि लगन स्टार्ट था हम लोगों का 22 मार्च को ही लॉकडाउन लग चुका था, मैंने पब्लिक कर्फ्यू लगवा था, उसके बाद 23 तारीख से वो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद सारे के सारे बिजनेस तो लगभग महीना डेढ़ महीना दो महीना बंद ही रहेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते गवर्नमेंट छूट देना स्टार्ट किया और उसमें लगन भी चालू था, हम लोगों का जो लगन था वो भी चालू था, लेकिन जो है हम लोगों को कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिला कि बैंड बाजा के साथ या लाइट डीजे वगैरह भी काम हो। लेकिन आज हम लोग ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हम लोगों का भुखमरी का कगार पे हम लोग पहुँच गए हैं। किराया हो गया हम लोग का, हम लोग नहीं दे पाए हैं, और गोदाम जो हम लोग लिए हुए हैं उसका रेंट हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, और एडवांस वगैरह हम लोग सारा लगन के पहले जो है सो कारीगर को दे चुकते हैं। और हर कस्टमर को लगन आता है तो हर कस्टमर को नया सेट चाहिए था, उसमें हम लोगों को 1-2 लाख 5 लाख रुपए हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस लिहाजे से आज हम लोग इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि सारे तरीके से हम लोग को देख लीजिए तो हम लोग बर्बाद हो चुके हैं।